तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है कॉम्बिनेशन वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे गिल के बारे में और बात करने वाले हैं परमीश वर्मा के बारे में, दोनों के बारे में अपकमिंग सॉन्ग के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑफकोर्स जैसे गिल का वही अपकमिंग सॉन्ग जिसकी 2 महीने से वेट है लेकिन अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, और साथ ही साथ परमीश वर्मा का न्यू सॉन्ग निकल कर सामने है उसके बारे में बात करते हैं। तो परमीश वर्मा का भी काफ़ी टाइम से सॉन्ग नहीं आया है और 2023 का उन्होंने पहला सॉन्ग अनाउंस कर दिया है। नाम की बात करें तो वो होने वाला है बिना गलतों। तो ऑफकोर्स यारी के ऊपर सॉन्ग है और इंस्टाग्राम पर ये रील वॉइस भी इसकी आ चुकी है, आप लोग जाकर सुन सकते हैं। ऑफकोर्स अभी तक सुन भी ली होगी लेकिन अभी तक इसकी डेट अनाउंस नहीं की गई है, ये अभी तक कमिंग सून में ही है, लेकिन जो इसका नाम है वो रिलीज हो चुका है। अब देखना ये है कि डेट कब आएगी, जैसी आएगी इन्फॉर्मेशन जरूर करूँगा। लेकिन अगर हम बात करें जैसी गिल के बारे में तो नेम की बात तो दूर, हमें तक छोटा सा क्लू भी नहीं मिला है उसके बारे में। अभी जब मैंने कम्युनिटी पोल में ये क्वेश्चन पूछा उसमें मैंने ऑप्शन दिए थे तो उसमें भी 55% लोगों का यही आंसर है कि आएगा, कोई बात नहीं, ये बात तो कंफर्म है आएगा, लेकिन कौन सा सॉन्ग आएगा? क्या वो जिंदे मेरे का पार्ट 2 एक्सटेंडेड वर्जन में आएगा या वो तेजस्वी प्रकाशन के साथ न्यू सॉन्ग तो जो था लेकिन शायद वो मूवी के लिए सॉन्ग था, क्या वो आ सकता है अलग से, या फिर कोई न्यू मेलोडी आएगी जैसे कि हमने पहले बात की थी कि सुरमा काला से रिलेटेड कोई बढ़िया सी मेलोडी हमें सुनने को मिलेगी। लेकिन क्या अब दिसंबर जैसे टपा, नवंबर टपा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जनवरी के 10 दिन टप चुके हैं, अब जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लू मिलेगी, मुझे लगता है अगर अब इन्फॉर्मेशन मिली तो जनवरी के एंड तक सॉन्ग आ सकता है, नहीं तो जनवरी में भी मुझे अब चांसेस कम लग रहे हैं लेकिन आना चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पसंद आई तो लाइक करना, क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।